पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला 9 बजे, 9534338689, 7856914231, 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GH न्यूज। आइए शुरुआत करते बिहार के 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। व्यस्त गुड्स शेडो पर दबाव कम करने की तैयारी, निकटवर्ती वैकल्पिक गुड्स शेडो के इस्तेमाल की मिलेगी अनुमति। किशनगंज नीतियों के व्यापक बदलाव करते हुए रेलवे ने व्यस्त गुड्स शेडो पर दबाव कम करने के लिए उनके निकटवर्ती वैकल्पिक गुड्स शेडो के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान कर दी है। जिले के सटे सूरज कमल स्टेशन को वैकल्पिक गुड्स शेड के रूप में चुना गया है। यह जानकारी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के CPRO सुभानंद चंद्रा ने दी। सृजन घोटाला, अतूक बेनामी संपत्ति जुटाने वाली सरकारी सेवकों पर नजर, CBI ऐसे सेवकों की खंगाल रही कुंडली। भागलपुर, चर्चित सृजन घोटाले में आरोपित से रकम लेकर निवेश करने वाले सरकारी सेवकों पर CBI की नजर है। अब तक सामने आए सरकारी सेवकों और बैंक अधिकारियों की भूमिका नापी गई थी। सृजन की खेवन हार रही मनोरमा देवी और उनके बेटे अमित कुमार की करोड़ों की राशि जमीन, होटल व फ्लैटों में लगाई गई। अमित कुमार और उनकी पत्नी प्रिया कुमारी अब तक फरार है। मेमू ट्रेन में अब 2700 पैसेंजर कर सकते हैं सफर, बढ़े कोच। साहिबगंज भागलपुर क्यूल मेमू पैसेंजर में मंगलवार को कोच की संख्या बढ़ा दी गई है। अब यह 8 की जगह 12 कोच की मेमू ट्रेन हो गई है। कोच बढ़ने से सीटों की संख्या बढ़कर 840 हो गई है। अब मेमू पैसेंजर में 2700 यात्री सफर कर सकते हैं। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को काफी राहत मिली है। कोच की संख्या कम होने से इस ट्रेन में यात्रियों की बेतहाशा भीड़ उमड़ रही थी। सोमवार को निर्धारित जगह से 4 गुना पैसेंजर सफर कर रहे थे। सीट से लेकर पायदान तक लटक कर यात्रा करने को यात्री मजबूर थे। सफर के दौरान यात्री शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। मालदा रेल मंडल ने मुख्यालय को मामले से अवगत कराया। इसके बाद 4 कोच बढ़ाने का निर्णय लिया गया। महागठबंधन छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ बनाया नया गठबंधन। पटना, बिहार की विपक्षी महागठबंधन से अपना रास्ता अलग कर चुके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए 29 सितंबर मंगलवार को एक और नए गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने मायावती की बसपा और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। कुशवाहा ने महागठबंधन पर गलत रास्ते पर जाने का आरोप लगाया। उन्होंने NDA और महागठबंधन को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए हैं। इस बार नए स्मार्ट व स्लिम EVM से डाले जाएंगे वोट, दिख जाएंगे 384 उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव में इस बार पहले से स्लिम और स्मार्ट EVM का इस्तेमाल होगा। आकार और वजन में घटने के बाद इसकी क्षमता बढ़ गई है। पुराने EVM का अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए उपयोग किया जाता था। एक CU से अधिकतम 4 BU कनेक्ट हो सकती थी। नई M3 EVM के CU से 24 BU कनेक्ट हो सकती है। इसकी क्षमता 384 उम्मीदवारों का डाटा संभालने का है। चुनाव में भाग नहीं लेने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। जमुई BRC चकाई में मंगलवार को संकुल समन्वयकों के साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चकाई एवं चंद्रमंडी ने संयुक्त रूप से बैठक कर कई निर्देश दिए। BRC सूल दोहा ने कहा कि चकाई प्रखंड से कुल 1085 शिक्षक शिक्षिकाओं को चुनाव कार्य में भाग लेने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से पत्र निर्गत किया गया है। पत्र रिसीव नहीं करने वाले या चुनाव कार्य में भाग नहीं लेने वाले शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों की कोई भी समस्या हो उसका त्वरित युद्ध स्तर पर निदान किया जाएगा। स्कूल संचालकों को हर हाल में जमा करनी होगी गाड़ियां, DTO। सीवान जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण रूप से मतदान कार्य को संपन्न कराने के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन किया जा चुका है। सभी कोषांग अपने कार्य का निर्वहन बेहतर ढंग से करने में जुट गए हैं। जिले के परिवहन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा आम चुनाव में इस बार
5,980 से अधिक छोटे बड़े वाहनों की जरूरत होगी। इसको लेकर जिला स्तर पर गठित परिवहन कोषांग की ओर से वाहनों को अधिकृत करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। बिहार में 1,439 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, संक्रमितों की संख्या 1,81,471 हुई। बिहार में 1,439 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,81,471 हो गई है। पटना में सर्वाधिक 198 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। चिराग ने हनुमान मंदिर में की पूजा, रामविलास पासवान की तबीयत जल्द ठीक होने की कामना। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हनुमान मंदिर में पूजा की। चिराग ने हनुमान जी से पिता रामविलास पासवान के ठीक होने की कामना की। चिराग के साथ विधायक राजू तिवारी भी थे। रामविलास पासवान की कई दिनों से तबीयत खराब है, वह ICU में भर्ती हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद शिक्षा मंत्री की बिगड़ी तबीयत, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजने की तैयारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के कोरोना संक्रमित होने के बाद और तबीयत खराब हो गई है। उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, जिसके कारण रिम्स से उनको दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है।